गाइस तो किसान से अपना दिल चिंटी प्रोटेक्टर और मैं आज आप लोग साथ शेयर करने लगता नया वीडियो। अब भाई मैं कसम से कह रहा हूँ कि मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि मुझे बात को घुमा फिरा कर बात करने की आदत है। लेकिन रुको रुको, मुझे पता है कि तुम लोग कह रहे हो कि भाई तू तो हॉरर स्टोरीज और एडवेंचर से वीडियोज डालता था, फिर आज ये कौन सा टॉपिक उठा लिया। तो मैंने सोचा कि IPL चल रहा है, सो IPL से रिलेटेड एक भयंकर वीडियो डालूं। तो चलो यारो वीडियो शुरू करते हैं, वो भी बिना किसी इंट्रो के। सभी को पता है कि आजकल IPL का मौसम चल रहा है और ज़बरदस्त रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस टाइम कुछ पॉपुलर है तो वो मार्कड रन आउट है। मार्कड रन आउट 1947 में आज़ादी तो मिली ही थी, लेकिन एक काम और हुआ था लेकिन क्रिकेट के इतिहास में, वो था मार्कड रनआउट। इस इंटरेस्टिंग रनआउट को डेवलप करने वाला बंदा अपना इंडिया का धाकड़ लौंडा विनू मार्कड था। ऑस्ट्रेलिया के कंगारूस को ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे विनू मार्कड ने कैसे उनके आलसी खिलाड़ियों की किलसी निकाल चुके हैं। 1947 में ऑस्ट्रेलिया और अपनी इंडिया टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो उस समय एक इंटरेस्टिंग घटना हुई जो इतिहास बन गई। क्रिकेट के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने कहीं सुना है कि ये क्रिकेट का एक नियम है कि प्लेयर चाहे स्ट्राइक पे हो या नॉन स्ट्राइक पे हो, उसे क्रीज के अंदर रहना होगा चाहे जिंदा या मुर्दा। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के बिल ब्राउन नॉन स्ट्राइक थे, लेकिन क्रीज के बाहर खड़े थे। इंडियन टीम के विनू मार्कड ने बार बार वार्न किया, लेकिन नहीं जी, अपनी चलानी है कि क्रीज के अंदर जाओ वरना रन आउट कर देंगे। और जब बिल ब्राउन ने उनकी वार्निंग को इग्नोर किया, अरे ना जी ना, ऑस्ट्रेलिया के बंदे हैं, दिखाना है कि चौड़ में घूमते हैं, तो विनू मार्कड ने उन्हें रन आउट कर दिया। तब से ऐसा रन आउट मार्कड रन आउट के नाम से जाना जाता है। इस टाइम जो IPL चल रहा है उसमें किंग्स 11 पंजाब के अश्वन ने राजस्थान रॉयल्स के रॉस बटलर को मार्कड रन आउट किया। तब से हल्ला मचा हुआ था, सब अश्वन को कोस रहे थे, लेकिन सुनील गावस्कर ने उनका सपोर्ट किया, उनका डिफेंस किया और कहा कि इस रन आउट को लेजेंड क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन ने भी सपोर्ट किया था। तो ये तो बात कर ली हमने मार्कड रनआउट के बारे में। अब भाई क्योंकि अब तुम मेरे दरबार पे आए हो तो पूरी बात सुन कर जाओ। तो अब बातें करते हैं थोड़े TLP फैक्ट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे अमीर टीम इंडिया की है, सबसे ज़्यादा पार्टी शार्टी करने वाली टीम वेस्ट इंडीज़ की है, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और अब्यूज़ करने वाली टीम पाकिस्तान की है, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाली यानी गुड मैनर गुड हैबिट्स पुराना ढंका वाली टीम श्रीलंका की है, और सबसे ज़्यादा घमंडी टीम इंग्लैंड की है, और लड़कियों को ताड़ने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया की है। अब भाई क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं तो अब मेरा पॉलिटिक्स और इलेक्शन पर एक वीडियो आएगा, क्योंकि अभी टाइम की कमी चल रही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मेरा वीडियो आए, बट नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो यार अगर तुम लोग अपने किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जैसे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना उसकी क्रिकेट की नॉलेज के लिए, ताकि अगर कोई इस सब के बारे में उससे पूछ ले तो कम से कम अपनी इज्जत बचा पाए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होप शेयर आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस मैं हम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे चिंटू, अरे कितने विकेट गिरे।